कर सकी यहाँ परंपरागत है, पहले से ही चली आई है। रावण का दहन नहीं होता है, रावण की बल्कि पूजा जाता है। एक तरफ रहता है रावण दल, जो आप बाहर के लोग आए हैं वो रावण दल के माने जाते हैं, और जो रावण दल रहता है वो गांव के रहते हैं। बीच में जो आप देख रहे हैं निशान गढ़ा जाता है, उसकी परिक्रमा लगाते हैं। भगवान राम जानकी की पूजा करने के बाद भगवान का रथ आता है, इसके बाद दशहरा होता है और बाहर के गोपियाबाज आते हैं। जो आप देख रहे हैं जो पत्थर मार हैं, बड़े बड़े निशानबाज हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज राम जानकी की कृपा से कोई भी पत्थर किसी को नहीं लगता है और भगवान रक्षा करते हैं। अरे कितने लोग आते हैं और कहां कहां से आते हैं? 20-25 हज़ार से ऊपर आते हैं। पुरानी क्या परंपरा है जिसको लेकर दशहरे का त्यौहार मनाया? पहले गोली चलती थी नवाब सामने पहले गोली चलवाई थी, क्योंकि पहले हिंदू धर्म के लिए दबा कर रखते थे, तो चिमनी के उजीरे में चिराग बनाकर करते थे। उनने पकड़ लिया गोपनीय तरीका से। इसके बाद मैंने कहा तुम्हारे राम नाम में इतना सत्य है तो चल चोरी में करके बताओ, तो फिर मैंने गोलियाँ चलवाई तो मिस हो गई। यहाँ उसी दिन से छूट दे दी तो सारे आप हम सब मिलकर दशहरा मनाते। ये तहसील लटेरी के ग्राम कालादेव में ये प्राचीन परंपरा चली आ रही है, और यहाँ पर जो है राम और रावण की सेना, मान्यता यह है कि उनके बीच में पत्थर से युद्ध होता है। तो इसमें जो पारंपरिक मान्यता के अनुसार राम की सेना वहाँ पर 5 राउंड लगाती है और जो दूसरे पक्ष होता है वो यहाँ पर उनसे गोफन से पत्थर मार युद्ध होता है। यहाँ पर चूँकि पब्लिक बहुत आती है, दर्शनार्थी बहुत आते हैं, करीब 15 से 20 हज़ार का हमको बताया गया था यहाँ के जो स्थानीय पंचायत है उनके द्वारा। तो स्थानीय प्रशासन होने के कारण यहाँ पर हमारे द्वारा व्यवस्था लगाई गई थी, चारों थाने का पुलिस फोर्स SDOP साहब भी है यहाँ पर, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कराई गई, पंचायत के माध्यम से यहाँ से साफ़ सफाई की व्यवस्था, PWD के माध्यम से यहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की, और हमने यहाँ पर हमारे जो PMO है उनके एक डॉक्टर की टीम भी रखी कि आकस्मिक रूप से यदि आवश्यकता पड़े तो एक एम्बुलेंस और डॉक्टर भी हैं अवेलेबल। अच्छा, एक मान्यता है यहाँ पे कि रावण के दल के द्वारा फेंके हुए पत्थर रामा दल को नहीं लगते, ये आस्था है या अंधविश्वास? ये आस्था है लोगों की, आस्था में ही विश्वास है लोगों का, और ये प्राचीन रूप से चली आ रही है।